तो ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इसको मैं 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। इसका रिजल्ट आप देखेंगे, आपकी स्किन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी। प्रोडक्ट खुद अच्छा होता है ना, तो उसको स्पॉन्सर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज मैं आपको चेहरे में होने वाले ओपन पोर्स यानी कि बड़े खुले हुए रोम छिद्र का एक पक्का इलाज बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके लार्ज ओपन पोर्स 100% श्रिंक हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो भी पहले से स्मूथ और बेटर नजर आएगी। ओपन पोर्स सभी के चेहरे में होते हैं और हमारी स्किन में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओपन पोर्स के थ्रू ही हमारी स्किन सांस ले पाती है और हमारे स्किन में मौजूद पसीना और ऑयल भी ओपन पोर्स से ही बाहर निकलता है। लेकिन जब इनका साइज़ बढ़ने लगता है तो ये दिखने में बहुत ख़राब लगने लगते हैं और हमारा चेहरा भी हमारी उम्र से ज़्यादा मेच्योर दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ ओपन पोर्स लार्ज क्यों होने लगते हैं, इनका साइज़ क्यों बढ़ जाता है, तो इसके पीछे कुछ कॉमन रीज़न है। जैसे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ये एक मेन रीज़न होता है कि आपके पोर्स भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपका धूप का एक्सपोजर ज़्यादा है तो सन डैमेज से भी आपके पोर्स जो है वो खुल जाते हैं और उनका साइज़ बढ़ने लगता है। जब आपके फेस में हेयर फॉलिकल्स थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो इस वजह से भी ओपन पोर्स का साइज़ बढ़ जाता है। इसके अलावा एजिंग एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे पोर के आसपास की जो इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है, वो कम हो जाता है, जिस वजह से हमारे पोर बढ़ भी जाते हैं और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। गाइज, आपके ओपन पोर्स के बढ़ने का रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन जब बात ट्रीटमेंट की आती है, इसके इलाज की आती है, तो स्किन केयर इंडस्ट्री में अलग अलग स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट से इलाज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उनको लाइट करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को लाइट करने के लिए आपको कोजिक एसिड इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। उसी तरीके से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, ड्राई है, तो आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करने के लिए बोला जाता है। और अगर आपको एजिंग के साइन जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये एज स्पॉट वगैरह हैं, तो रेटिनॉइन और रेटिनॉइड्स आपके लिए बेस्ट है। इसी तरीके से गाइस, अगर आपको लार्ज ओपन पोर की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो आपके लार्ज ओपन पोर के साइज़ को कम कर सकता है, उनको श्रिंक कर सकता है, और वो इंग्रेडिएंट है नियासिनामाइड यानी कि विटामिन B3। सिर्फ विटामिन B3 में वो पावर है जो आपके पोर के साइज़ को मिनिमाइज़ कर सकता है, उनको श्रिंक कर सकता है। इसके अलावा कोई भी होम रेमेडी, कोई भी और इंग्रेडिएंट ओपन पोर पे उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इस नियासिनामाइड हमारे स्किन में कैरेटिन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जिससे हमारी स्किन फर्म और हेल्दी बनी रहती है और इससे हमारे लार्ज ओपन पोर्स श्रिंक होने लगते हैं, उनका साइज़ कम होने लगता है। तो अगर आपको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो आज से ही आप अपने AM और PM दोनों स्किन केयर रूटीन में एक अच्छे ब्रांड का नियासिनामाइड सीरम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए कि कुछ ही वीक में आपके जो ओपन पोर्स हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे, उनका दिखना बहुत कम हो जाएगा। ये क्या है कि हर ब्रांड का, लगभग हर ब्रांड का नियासिनामाइड आपको मार्केट में एज अ सीरम, एज अ लोशन, एज अ क्रीम मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि वो बॉटल में लिख तो है कि इसमें 2% नियासिनामाइड है या 5% नियासिनामाइड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो है वो उतने जेन्युइन नहीं होते हैं। एक्चुअल में उनकी रियलिटी कुछ और होती है, उनमें और इंग्रेडिएंट ज़्यादा होते हैं और उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो अगर आपको एक बेस्ट नियासिनामाइड पे इन्वेस्ट करना है, एक बेस्ट नियासिनामाइड, एक प्योर नियासिनामाइड सीरम अपने लिए परचेस करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये द ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड सीरम। इसमें आपको बता नहीं सकती कि ये इतना ज़्यादा अच्छा और इतना प्योर सीरम है कि आप इसको इस्तेमाल करिए। इसका रिजल्ट आप देखेंगे, आपकी स्किन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी, इससे आपके ओपन पोर्स तो श्रिंक होते ही हैं, साथ में आपकी जो स्किन है ना वो भी इतनी अच्छी, इतनी बेटर हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इवन हो जाती है कि आपका दिल करेगा बार बार अपने आप को शीशे में देखने का, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। और गाइस, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसको मैं 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। ये प्रोडक्ट ही मतलब इतना अच्छा है कि मेरा खुद दिल करा था कि मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। ये प्रोडक्ट मैंने खुद अपने पैसों से नायका से परचेस किया है और वैसे भी ये कंपनी बाहर की है, इंडिया की नहीं है, तो ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मुझे इस कंपनी ने कोई पे नहीं किया है कि मैं आपको इसका प्रमोशन करूँ, आपको इसकी क्वालिटी बताऊँ। एक्चुअली अगर प्रोडक्ट खुद अच्छा होता है ना, तो उसको स्पॉन्सर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वो प्रोडक्ट की खुद क्वालिटी बोलती है, वो खुद इतना अच्छा होता है कि लोग खुद ही उसके बारे में वीडियोज़ बनाते हैं, खुद ही आपको बताते हैं। तो उसी तरीके से ये प्रोडक्ट भी बहुत ही जेन्युइन है। अगर आपको एक प्योर नियासिनामाइड सीरम चाहिए,
तो द ऑर्डिनरी का 10% नियासिनामाइड आपको जरूर ट्राई करना चाहिए गाइस। ये है द ऑर्डिनरी का 10% नियासिनामाइड एंड 1% जिंक सीरम, जो कि आपको इस तरीके से ग्लास बॉटल में मिलता है। 30 ml का ये बॉटल है और इसका प्राइस है 600। ये प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आउट ऑफ इंडिया का है, लेकिन ये ईजिली आपको नायका और अमेजोन पर मिल जाएगा। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं, जो कि आपको रेगुलर ही ये यूज़ करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, तो ये 2 months तक आपका ईजिली ये एक बॉटल चल जाती है। एंड इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन्स और मिनरल्स हैं। इसके साथ ही 10% नियासिनामाइड के साथ साथ इसमें आपको 1% जिंक भी मिलता है, और जिंक जो होता है ना वो एक्ने पिंपल प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। वो आपकी एक्स्ट्रा ऑयल को सीबम को जो है कंट्रोल करता है। तो अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको इस्तेमाल करो, तो आपके एक्ने पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। फॉर्मूला आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है स्किन पे, और स्किन इसको इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेती है। एंड ये जो प्रोडक्ट है गाइज, इसमें अल्कोहल भी नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। गाइज नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको नियासिनामाइड सीरम इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि नियासिनामाइड आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको फेस को ड्राई नहीं करना है, हल्के गीली स्किन में ही आपको ये सीरम अप्लाई करना है। 2 से 3 ड्रॉप आपको लेने हैं। 2 से 3 ड्रॉप आपके पूरे फेस के लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको सीरम नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 10% नियासिनामाइड की स्ट्रेंथ है, जो कि एक हायर स्ट्रेंथ होती है। तो 3 ड्रॉप से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 3 ड्रॉप आपके पूरे फेस के लिए काफ़ी हैं। उसके बाद आप नेक पे भी 1 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। उसके 5 मिनट के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई और ट्रीटमेंट वाली कोई हैवी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप इसके ऊपर 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस सीरम के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? तो गाइज इसके ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सभी स्किन टाइप्स को सूट कर जाता है, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए आप पहले एक पेस्ट टेस्ट जरूर कर लें। इसके लिए आप थोड़ा सा सीरम अपने गर्दन पे लगा के देखिए, अगर वहाँ पे आपको रेडनेस होती है, इरिटेशन होती है, या फिर आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है, या आपको ईचिंग होती है, तो फिर आप इस सीरम को अपने फेस पे इस्तेमाल ना करें। गाइस इस सीरम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इस सीरम के बारे में सर्च कर सकते हैं, अपने एंड पे सर्च कीजिए, और अगर आपको सीरम अच्छा लगता है तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं।